ये भी ठीक है। अच्छा, इसको चेयर खोल के इधर कर लो ना, कोई आया तो बैठ जाएगा। परफेक्ट, चलें, टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी स्टार्ट अवर सेकंड लेक्चर। आज अटेंडेंस कौन नहीं है, पूरी है। हम ना आपको नजर आ रहा है, आप ये ले लो, आप इधर आके ना इस ये चेयर ले लो, या एक इधर भी चेयर है। अच्छा, आज आयशा ने भी ज्वाइन कर लिया और बाकी सब पुराने। अहमद, अहमद नहीं है, लेकिन कल तो था वो। अच्छा, और तुबा ने ना, तुबा का मैं जो मैसेज आया था वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, और इट मींस सिर्फ अहमद नहीं है, तुबा नहीं है, और बाकी जकावत, हाँ वो तो जाहिर है उनकी तो क्लासेस होंगी। फलवशा तो नहीं होगी, जकावत नहीं है, सिर्फ वही नहीं है ना, क्योंकि तुबा का मैसेज आया हुआ है, अहमद का आप वो कह रहे हो, तो जकावत को मैं एक दफा मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो वो ग्रुप पे है या नहीं है। चले, बाकी एवरीवन इज हियर। ऑलराइट जी, सो वी स्टार्ट विद अवर सेकंड लेक्चर। ये लाइट ठीक है ना, मेरा ख्याल है सही है, क्योंकि अगर मैंने बोर्ड पे भी कुछ लिखना होगा वरना आपको नजर नहीं आएगा, और आपको आई बिलीव कि ये काफी क्लियर क्लियरली विजिबल है। चले, परफेक्ट। तो जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जनरल मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। हाँ, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, और हमने थोड़ी क्लासिफिकेशन पढ़ी, हाउ द मेम्ब्रेन्स आर क्लासिफाइड, थोड़ा हमने उनके मॉर्फोलॉजी का थोड़ा बहुत देखा कि क्या ब्रेक थ्रूज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के फील्ड में हुए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। और एक जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, हमने जो डिस्कस किया वो ये था, है ना, जो सूर्यांजन एंड लोब ने एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन्स की सिंथेसिस में किया। और जाहिर है जब हम फेज इन्वर्जन के ऊपर जाएंगे, जो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, तो उसको हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन हमारा जो कोर्स है उसी तरह ही चलेगा, वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन। आज हम कोशिश करेंगे, वी विल कवर द मटीरियल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेम्ब्रेन्स की मटीरियल्स की सिलेक्शन। आप लोग बहुत सारे मटेरियल्स के साथ काम कर रहे हो, मेनली दो तरह के मटेरियल भी हमने कल डिस्कस किए थे कि कौन से होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्यों हम मिक्स मैट्रिक्स यूज करते हैं, क्यों हम कंपोजिट मेम्ब्रेन बनाते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और आफ्टर कवरिंग मटेरियल्स, इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल ऑफ इट टुडे, जो हमें स्पेशली सर इस कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए चाहिए वो हम जरूर कवर कर लेंगे।
और आफ्टर दिस वी विल वर्क विद सिंथेसिस। मुझे जो लग रहा है हमें 2 लेक्चर्स हमें सिंथेसिस के चाहिए होंगे, उससे उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल वर्क विद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स और जो मेम्ब्रेन प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर आप लोग सारे काम कर रहे हो या करोगे, कि कौन कौन से मेम्ब्रेन प्रोसेसेस होते हैं, माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो, आरओ, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, पर वेपोरेशन, गैस सेपरेशन। एंड देन वी विल कंक्लूड अवर सेशंस विद कि मेम्ब्रेन के मॉड्यूल किस तरह के होते हैं, जब इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हम टच करेंगे, और इवेंचुअली कि क्या क्या मेम्ब्रेन के, वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे कि क्या चैलेंजेस हैं मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के। अच्छा, जो मैं आपको एक मैंने छोटी सी असाइनमेंट आपको कल दी थी, आज भी हो सकता है दूं एंड इन फ्यूचर एज वेल, इन फ्यूचर एज वेल देयर माइट बी some assignment, I mean in coming sessions as well. तो आपने ये करना है कि अभी चूंकि अगर हम assignments की तरफ चले जाएंगे तो हमारे sessions बहुत लंबे होंगे, ठीक है? तो it might be कि हम end पे जो है ना ये सारी assignments को एक साथ हम करेंगे, ठीक है? तो एक presentation session हम करेंगे। तो आपने ये करना है कि जो जो assignment मिलती जाए, I expect from you कि आप book reading भी करोगे साथ साथ, कल आप I expect कि आपने पहले chapter उसको गो थ्रू किया होगा, आज हम सेकंड चैप्टर मटेरियल्स का पढ़ रहे हैं, और जो जो मैं आपको असाइनमेंट देता जाऊंगा वो आपने साथ साथ उसको करते जाना है। हम मुझे जो लग रहा है कि हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, आई थिंक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इट वुड वेरी अबाउट फ्रॉम 10 to 12। हाँ, तो हाउ अबाउट कि हम तीन तीन के जो आप असाइनमेंट्स करो वो 3 का ग्रुप बना लो आप। 3 का मतलब हमारे मैक्सिमम 4 ग्रुप्स जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है? क्या ख्याल है? ताकि वो असाइनमेंट जो प्रेजेंटेशन वाला सेशन है हमारा बहुत लंबा ना हो, और 3 एक अच्छी टीम होती है, 4 या 5 अगर हम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, 2 शायद कम होते हैं, तो 3 एक बेहतर फिगर है, ठीक है? तो जो जो मैं आपको प्रोजेक्ट देता रहूंगा वो आपने आप एक ग्रुप बना के उसमें करने हैं, माइट बी कि हम एंड पे हम ये सेशंस करें। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मटेरियल्स वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू, के 2 तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, वन इज पॉलीमर्स एंड द अदर इज अदर कैटेगरी ऑफ ऑफ मटीरियल इज इनऑर्गेनिक। उन दोनों के हमने डिस्कस किए कि पॉलीमर्स आर, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, दे आर, they are cheap, they are very processable, however they have slightly moderate or lower permeability and selectivity, and in term when it comes to stability, chemical and thermal stability, they are also inferior to inorganic materials. On the other hand, inorganic materials like ceramics, metals, glass, they are highly expensive, they are very expensive, and they are ब्रिटल मटेरियल। उनके इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन्स बनाना जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है एज कम्पेयर टू पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स। तो नॉर्मली जो हम इंडस्ट्री में मेम्ब्रेन्स देखते हैं दे आर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है? तो हमेशा पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स आपको हर जगह पे यूज होती हुई नजर आएंगी, वेदर इट्स रिवर्स ऑस्मोसिस, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, पर वेपोरेशन, माइक्रो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हर जगह पे यही यूज होती है। माइक्रोफिल्ट्रेशन कभी कभी इनऑर्गेनिक भी यूज होती है, लेकिन मोस्टली दे आर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। अब जो पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स हैं, इस ड्यू टू दिस रीजन जो इस कोर्स के अंदर जो हम मटेरियल कवर करेंगे, ड्यू टू क्योंकि हम चाह रहे हर चीज हम कम टाइम में कवर करें, वी विल डिस्कस मेनली पॉलीमर्स, ठीक है? तो हम पॉलीमर्स क्योंकि आप सब लोग पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर ही काम करते हो और करोगे, और इनऑर्गेनिक्स को आप एज अ मेम्ब्रेन नहीं बनाते, आप उसको एज अ जो हमने मिक्स मैट्रिक्स का नाम दिया था, आप उसको एज अ फिलर ऐड करते हो या करोगे। तो ड्यू टू दिस रीजन वी विल डिस्कस टुडे मेनली अबाउट पॉलीमर्स, और व्हाट इस ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम जो पॉलीमर्स की बात करेंगे तो हम हर चीज को लिंक करेंगे मेम्ब्रेन के साथ और मेम्ब्रेन की 2 प्रॉपर्टीज के साथ। व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? Their efficiency, their selectivity,
एंड देयर परमेबिलिटी. ठीक है, तो हम तो अब हमारा जो ग्रुप है इसमें हमारे पास केमिस्ट भी हैं, अगेन केमिकल इंजीनियर्स भी हैं, दूसरे इंजीनियर्स भी हैं. तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मोर स्पेसिफिकली पॉलीमर केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. ठीक है, और जाहिर है हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक लेक्चर के अंदर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाएगी. तो आज जो हम लेक्चर मैंने थोड़ा इस तरह बनाया हुआ है कि इवन इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद टू मच इनटू पॉलीमर केमिस्ट्री या पॉलीमर्स, स्टिल यू वुड बी एबल टू सी अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर एंड यू विल बी एबल टू गेस कि ये जो पॉलीमर है ये परमिएबल ज्यादा होगा, ये किस एप्लीकेशन के लिए बेहतर होगा, ये सिलेक्टिव ज्यादा होगा. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर विदाउट नोइंग मच अबाउट कि किस तरह के बॉन्ड्स हैं, किस तरह के इंटरेक्शंस हैं, यू वुड बी एबल टू गिव योर ओपिनियन के मैं जो सिलेक्ट पॉलीमर कर रहा हूँ या कर रही हूँ फॉर एनी गिवन एप्लीकेशन हाउ इट वुड बिहेव. ठीक है, तो थोड़ा आज हमारा लेक्चर इस तरह चलेगा. कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम पॉलीमर्स के बारे में करें तो व्हाट आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग चेन, जरूरी नहीं है हाइड्रोकार्बन हो. हाँ, दे आर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स. व्हाट आर मोनोमर्स? सिंगल यूनिट और वी कैन से देम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, तो एक जिस तरह हम लीगो में बचपन में देखते थे कि हम ब्लॉक्स को बना के एक बड़ा कोई मॉडल या कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट पॉलीमर्स आर समथिंग जिसके अंदर दे आर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स. इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल के एक पॉलीमर फॉर्म होता है या कॉन्स्टिट्यूट होता है. नाउ सो दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स दैट आर बिल्ड अप फ्रॉम मोनोमर्स. अब जो मोनोमर्स हैं ये मोनोमर्स क्या हमेशा एक मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाता है ना? तो एक सो मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स कैन बी वन और मोनोमर्स कैन बी मोर एज वेल इन अ पॉलीमर. लेकिन पॉलीमर्स के केस में हम क्या कहते हैं, इट इज अ रिपीटिंग यूनिट. के फॉर एग्जांपल पॉलीइमाइड एक पॉलीमर है, उसके अंदर डाई एसिड और एनहाइड्राइड दो मोनोमर्स होते हैं. तो एसिड एनहाइड्राइड रिपीटिंग यूनिट जो है, मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटिंग यूनिट एक 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 मोनोमर हो, एक बी मोनोमर हो और ये ए बी बार बार मिल के ए बी एक पॉलीमर को फॉर्म करें. ठीक है, तो ये हमने नहीं सोचना या समझना है कि मोनोमर इज पॉलीमर इज ओनली कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ कंपाउंड्स. द मोस्ट बेसिक पॉलीमर इज पॉली इथाइलीन. अभी जो इथाइलीन का क्या फॉर्मूला होता है, CH2 इथीन या इथाइलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब अगर हम इस जो डबल बॉन्ड है इसको हम ब्रेक करते हैं तो वी फॉर्म, और हम इसको अगर पॉलीमराइज करते हैं तो इसका मतलब है ये जो रिपीटिंग यूनिट है CH2CH2, अगर हम CH2CH2CH2CH2CH2 इसको बढ़ाते जाते हैं तो जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतनी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगी. ठीक है, अगर दो यूनिट्स एक यूनिट है तो वो तो सिंपली पॉलीमर नहीं है, वो तो इथाइलीन एक कंपाउंड है विच इज अ गैस. अगर हम दो को दो CH2 को मिलाएंगे तो इट विल बी एंड देन सो ऑन, जितना हम बढ़ाते जाएंगे उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होती जाएगी. तो डिग्री के कितनी एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है कि कितने ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स है और हर रिपीटिंग यूनिट का अपना मॉलिक्यूलर वेट क्या है. क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे रिपीटिंग यूनिट हो, यहाँ तो बहुत सिंपल है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स का तो पता है. तो अक्सर मोनोमर्स ऐसे होते हैं जो कि एरोमेटिक्स एरोमेटिक बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग, तो वो इट मींस के एक रिपीटिंग यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट ही काफी ज्यादा होता है. जब एक का ज्यादा होगा तो उसकी लेंथ अगर ज्यादा नहीं भी होगी तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगी. ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये मैं मेम्ब्रेन के टर्म में अभी बात करूंगा कि इसका क्या फर्क पड़ता है.
लेकिन एक्सटेंट या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिपेंड्स ऑन के कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं और हर रिपीटिंग यूनिट का अपना जो है मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अब रिपीटिंग यूनिट ज्यादा होने से क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम इथाइलीन की बात करें तो जब ये एक रिपीटिंग यूनिट है तो इसका एक सर्टन मॉलिक्यूलर वेट है एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब आप यहाँ पे देखो अगर ये 6 रिपीटिंग यूनिट है इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड पॉलीइथाइलीन। अगर ये 200 रिपीटिंग यूनिट CH2 हम मिलाते हैं तो इट बिकम्स अ वैक्स एंड देन अबव दैट इट बिकम्स अ बच गए तो इट बिकम्स अ प्लास्टिक। तो इट मींस के करेक्टर या मॉर्फोलॉजी या शेप या एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉलीमर चेंजेस एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर। नाउ पॉलीमर्स कैन हैव मेनी कन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा सेम पॉलीथाइलीन के केस में हमारा सेम रिपीटिंग यूनिट है ना CH2 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 CH2। इस तरह के पॉलीमर जिसके अंदर रिपीटिंग यूनिट सेम है, मिसाल के तौर पे ये एक और पॉलीमर है जिसके अंदर दो मोनोमर मिल रहे हैं लेकिन रिपीटिंग यूनिट AB है, इस पॉलीमर को कहते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर इज सिंपली अ पॉलीमर दैट हैज द सेम रिपीटिंग यूनिट्स वन आफ्टर अनदर। कोपॉलीमर एक दूसरी टाइप ऑफ पॉलीमर है जिसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स आर नॉट सेम, दे कीप ऑन चेंजिंग। कोपॉलीमर मिसाल के तौर पे वी कैन हैव अ कोपॉलीमर समथिंग लाइक दैट AB, BA, BA, AB एंड सो ऑन, बड़ा एक रैंडम किस्म का। इसके अंदर यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट सेम था, यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट अब चेंज हो गया। वी कॉल दिस अ रैंडम कोपॉलीमर, इवन दो इट्स अ कोपॉलीमर, रिपीटिंग यूनिट सेम नहीं है लेकिन चूंकि इसके अंदर इतनी रैंडमनेस है तो इसको हम कहेंगे इट इज अ रैंडम कोपॉलीमर। ठीक है, अब आपने अभी ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ इसको इसलिए आपने ज़हन में रखना है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको मेम्ब्रेन के टर्म्स में बताऊंगा कि कहाँ पे एक, यहाँ पे आपको एक सिमिट्री नजर आ रही है ना, एक चीज रिपीट हो रही है, यहाँ पे आपको रैंडमनेस नजर आ रही है। तो जो पॉलीमर रैंडम होते हैं वो मेम्ब्रेन में किसी और तरह बिहेव करते हैं, जिन पॉलीमर्स के अंदर किसी भी तरह से सिमिट्री होती है वो पॉलीमर डिफरेंट तरह बिहेव करते हैं। इन जस्ट अ मिनट आई विल कम टू दैट, अभी आपने ये याद रखना है कि होता क्या है ये। फिर इस तरह के कुछ पॉलीमर्स होते हैं जिसके अंदर रैंडम कोपॉलीमर्स में जो हमारे रबरी मटेरियल्स हैं, जो रबर्स होते हैं, नाइट्राइल रबर, स्टाइरीन रबर, दीज आर रैंडम कोपॉलीमर्स। फिर कुछ कोपॉलीमर्स होते हैं जो कि ब्लॉक कोपॉलीमर्स होते हैं। ब्लॉक कोपॉलीमर्स में ये होता है वी हैव ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर्स, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके साथ एक अटैच्ड फेज होता है। मिसाल के तौर पे ये एक ब्लॉक है, ये एक मोनोमर है, लेट्स से CH2 CH2 CH2, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास मोनोमर्स ब्लॉक्स में अरेंज हो के पॉलीमर फॉर्म होता है तो यहाँ पे वी कॉल दिस एज ब्लॉक कोपॉलीमर। नाउ वी मूव अहेड, एक और टाइप ऑफ, अब यहाँ पे भी देखो तो why I am calling it ब्लॉक कोपॉलीमर, बिकॉज ब्लॉक तो समझ आ रहा है लेकिन कोपॉलीमर ये क्यों है ना, बिकॉज रिपीटिंग यूनिट्स डिफरेंट है। जी इटसेल्फ तो सारे पॉलीमर है ना, दो मोनोमर्स लेकिन इसमें रिपीटिंग यूनिट सेम नहीं है ना, यहाँ पे ए ए ए देन बी बी बी, अगर होता ए ए ए ए ए या बी 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 या ए बी ए बी ए बी ए बी तो देन वी वुड कॉल इट एज होमोपॉलीमर। ठीक है, तो होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि वी हैव डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट इन केस ऑफ कोपॉलीमर एंड वी हैव सेम रिपीटिंग यूनिट इन केस ऑफ होमोपॉलीमर। अब एक और टाइप ऑफ पॉलीमर्स कोपॉलीमर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्राफ कोपॉलीमर्स।
उसमें ये होता है हमारे पास एक मेन चेन होती है और एक हमारे पास साइड चेन होती है, जो कि जिस तरह ग्राफ्टिंग होती है उसको मेन चेन के ऊपर ग्राफ्ट किया होता है थ्रू सम कोवेलेंट लिंकेज, थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन. यहां भी वी कॉल इट ग्राफ्ट कोपोलीमर, नॉट होमोपोलीमर, बिकॉज वी हैव डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम वन मोनोमर टू अनदर. अब ये तीन नॉर्मली कोपोलीमर्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव दीज थ्री मेजर टाइप्स. व्हाट आर दीज? रैंडम, इसके अंदर वी हैव कंप्लीट, वी कैन नॉट से देयर इज एनी सिमेट्री ऑफ एनी टाइप. देन वी हैव ब्लॉक कोपोलीमर्स एंड देन वी हैव ग्राफ. अच्छा, एक जो पॉलीमर की एक बहुत बड़ी टाइप है इसको कहते हैं विनाइल पॉलीमर्स. विनाइल पॉलीमर्स वो होते हैं जिसके अंदर, जिस तरह ये पॉलीथाइलीन का मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होता है. इट कैन बी, मिसाल के तौर पे पॉलीथाइलीन भी एक विनाइल पॉलीमर है जिसके अंदर यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्या होता है, हाइड्रोजन होता है. अगर यहाँ यहाँ पे मिथाइल होगा तो इट विल स्टिल बी कॉल्ड अ विनाइल पॉलीमर. मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा वी कॉल इट पॉलीप्रोपाइलीन. पॉलीब्यूटाइल ब्यूटाइलीन हैज अनदर फंक्शनल ग्रुप. पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल, आप में से बहुत सारे इसके ऊपर काम कर रहे हो हाँ, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल के ऊपर. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल, इसके ऊपर भी शायद आप में से कुछ लोग काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन. तो सिंपली विनाइल पॉलीमर की जब हम बात करेंगे तो इट्स सिंपली अ पॉलीमर वेयर वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप हियर एट दिस पोजीशन. थोड़ा सा आगे चलते हैं. ठीक है, अच्छा, ये इनऑर्गेनिक्स को हम अभी नहीं कर रहे. ऑल राइट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. आपको पता है कंपाउंड्स पॉलीमर, नॉट ओनली पॉलीमर्स बट आल्सो देयर आर मेनी केमिकल कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन बोथ सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, और सिस और ट्रांस के ऊपर आते हैं, लेकिन पॉलीमर्स के केस में सिस पॉलीमर्स की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स की डिफरेंट परमेबिलिटी होती है, वी विल डिस्कस इट. और ट्रांस पॉलीमर कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेव करते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखो तो इट इज अगेन अ विनाइल पॉलीमर. कैसे? ये हमारे पास CH2 एंड देन दिस C एंड देन दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे आप देखो तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है एंड देन वी हैव CH2 एंड हियर वी हैव वाइस वर्सा. इसी तरह पॉलीमर्स की अब लास्ट ये चीज है जो कि आपने याद रखनी है कि देर आर थ्री अदर टाइप्स बाय विच वी कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड ग्रुप्स. कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो कि आइसोटैक्टिक होते हैं, कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि एटैक्टिक होते हैं, और कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो कि सिंडियोटैक्टिक होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पॉलीमर है जिसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन की सेम साइड पे है तो वी विल कॉल इट एज आइसोटैक्टिक पॉलीमर. अगर हमारे पास एक पॉलीमर है जिसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन चेन है, बहुत रैंडम है, कहीं पे हमारे पास एक साइड पे है, कहीं पे हमारे पास दूसरी साइड पे है, देन अगेन इधर है, देन अगेन इधर है, तो कोई रैंडमनेस है. हाँ, वी विल कॉल इट एज, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रैंडम अरेंजमेंट है उसकी, वी कॉल इट एटैक्टिक. एंड देन सिंडियोटैक्टिक इज द वन जहां पे हमारे पास alternating, एक इधर है, एक इधर है, then एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे.
एंड वी फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, तो ये बहुत आसान, अगेन ये भी क्लासिफिकेशन है कि आइसोटेक्टिक में वी हैव फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम साइड, एटेक्टिक में इट्स अ रैंडम कॉन्फिगरेशन, और सिंडियोटेक्टिक में वी हैव ऑल्टरनेटिंग करेक्टरिस्टिक्स। यहां पे भी अगर आप देखो तो ये जो आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक, वी कैन से यहाँ इनके अंदर एक सिमेट्री होती है, एक चीज बार बार रिपीट हो रही होती है, और जो एटेक्टिक पॉलीमर्स हैं वी कैन से दे आर सिमिलर टू रैंडम पॉलीमर्स, इनके अंदर भी रैंडमनेस है और सिमेट्री नहीं है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है जो अभी तक हमने पढ़ा, इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, तो जो पॉलीमर सिमेट्रिक होते हैं, जितने ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं उतने ज्यादा वो क्रिस्टलाइन होते हैं, उनके अंदर क्रिस्टलिनिटी ज्यादा होती है, और जो पॉलीमर्स जिन उनके अंदर जितनी ज्यादा रैंडमनेस होती है दे टेंड टू बी मोर एक्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं, दूसरे एमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के क्रिस्टलाइट्स होते हैं, वी वोंट गो इनटू मच डिटेल, लेकिन अगर मैं कोरिलेट करें तो हम कर सकते हैं द पॉलीमर्स दैट हैव रैंडमनेस आर मोर एमॉर्फस, द पॉलीमर्स दैट हैव सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री दे आर मोर क्रिस्टलाइन, सेमी क्रिस्टलाइन, मोर कंप्लीटली क्रिस्टलाइन। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो अब आप मुझे बताओ कि कौन से पॉलीमर्स विल बी मोर एमॉर्फस, कौन से पॉलीमर्स विल बी क्रिस्टलाइन, एक एक करके। होमोपॉलीमर वुड बी अ क्रिस्टलाइन पॉलीमर, अ रैंडम कोपॉलीमर वुड बी अ एमॉर्फस, ब्लॉक एंड ग्राफ कोपॉलीमर्स आर प्रोबेबली मोर क्रिस्टलाइन, और इसी तरह जो आइसोटेक्टिक एंड सिंडियोटेक्टिक are more crystalline and atactic polymer are more amorphous. अब इसको अगर मैं membrane की term में बात करूँ तो generally crystalline जो polymers होते हैं उनके अंदर crystallites की वजह से polymer chains जो हैं वो rigid होती हैं और वो stiff होती हैं। Polymer chains जितनी rigid और stiff होती हैं उतनी उन polymers की, आगे चल के मजीद हम discuss करते हैं, permeability कम होती है, natural permeability, और उनकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को इतनी ओपन स्पेस नहीं देते क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स के वो इजीली उनमें से डिफ्यूज कर सके या पास कर सके। एंड एमॉर्फस पॉलीमर्स आर वाइस वर्सा, एमॉर्फस पॉलीमर्स जो हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अमॉर्फस पॉलीमर्स में इतने फ्री स्पेसेस होती हैं, बार बार मैं बात कर रहा हूँ पॉलीमर्स की, हाँ पॉलीमर्स जिनके 60,000, 1,00,000, 2,00,000 तक मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इतनी एक पॉलीमर किसी कंपाउंड की तरह तो नहीं है, उसके अंदर बहुत ह्यूज मॉलिक्यूलर वेट है, तो एक पॉलीमर्स के अंदर ये जो चेन्स हैं ये ह्यूमंगस होती है, ह्यूज चेन्स होती है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर क्रिस्टलाइन पॉलीमर है तो उसके अंदर चूंकि क्रिस्टलाइट्स होते हैं तो उसको रास्ता नहीं मिलता पास होने का, एंड दे टेंड टू गिव सच हिंड्रेंस जिनकी वजह से हमें सेपरेशन ज्यादा मिलती है। वेयर एज एमॉर्फस पॉलीमर्स इतनी स्पेसेस उनके अंदर होती हैं कि हमारी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रिजेक्शन उन पॉलीमर्स की कम होती है, बिकॉज जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल है, आप डाई को फिल्टर कर रहे हो डाई पास हो जाएगी, आप गैस को सेपरेट कर रहे हो दूसरी गैस को भी पाथवे मिल जाएगा पास होने का। ठीक है, और इन सारी चीजों को हम लिंक कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर देख के बता दो कि ये इसके अंदर सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री, स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो मैं मेम्ब्रेन बनाऊंगा इट वुड बी मोर परमीएबल और मोर सिलेक्टिव। अब एक और चीज, हमेशा कोई भी एप्लीकेशन हम ले लें, वाटर है कि वाटर फिल्ट्रेशन है या गैस सेपरेशन है, हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? You are compromising on other thing. के जो polymers highly permeable होते हैं they are less selective. जो polymer highly selective होते हैं they are more high. जिनकी selectivity ज्यादा होती है उनकी permeability कम होती है, और यही चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है ना,
कि जिनमें सिमेट्री ज्यादा है उनकी क्रिस्टलिनिटी ज्यादा है, उनकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है लेकिन उनकी परमेबिलिटी कम होती है, एंड वाइस वर्सा। हर चीज को हम लिंक कर सकते हैं। शायद मैं चीजें बहुत सारा बता रहा हूँ लेकिन आपने इसके बाद बुक जरूर पढ़नी है, यही चीजें आपको ज्यादा आई होप के दिमाग में थोड़ी ज्यादा रहेंगी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी मेम्ब्रेन के टर्म में, ये जो चेन्स हैं पॉलीमर चेन जिनका हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मॉलिकुलर वेट होता है, ये कितनी फ्लेक्सिबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन्स के लिए। क्या हम इसको हम कैसे देख सकते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जिस तरह पॉलीथाइलीन है, ये सिंगल बॉन्ड जो है इसके अगेंस्ट पॉलीमर चेन की रोटेशन या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इट इज इजी टू मूव अराउंड। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड जहां पे आ जाएगा वहां पे चेन रिजिड हो जाती है और उसके लिए फ्लेक्सिबल होना या मूव करना, रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, मुश्किल हो जाता है। सो सिंगल बॉन्ड के केस में वी हैव फ्री रोटेशन, इजिली फ्लेक्सिबिलिटी, डबल बॉन्ड्स के केस में इट इज अ रिजिड। अगर एक ऐसा पॉलीमर हो जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया, पॉलीब्यूटाडाइन पीछे भी हमने देखा था, इस केस में स्टिल इवन दो देर इज अ डबल बॉन्ड बट स्टिल देर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द पॉलीमर। अगर आपने पता है, आपको बहुत सारे, आप लोग जिन पॉलीमर्स को साथ डील कर रहे होते हैं वो एरोमेटिक पॉलीमर्स होते हैं, है ना, पॉलीइमाइड पॉलीएमाइड, तो जो एरोमेटिक्स होते हैं ये बड़े बल्की मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो खुद सोचो, एक नेचुरली लेमैन की तरह सोचो, एक बल्की मॉलिक्यूल एक चीज पे आके अगर बैठ जाएगा तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देगा, हिंडर कर देगा, ठीक है। तो जो पॉलीमर्स हाईली एरोमेटिक होते हैं जिनके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोमर्स होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कैसे पॉलीमर को इफेक्ट करती है? जितना एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, जितना उसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे, उतनी उस पॉलीमर की परमेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों? रीजन उसकी क्या होगी कि जब एक मॉलिक्यूल, एक गैस है, हम ऑक्सीजन और एयर को सेपरेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, तो चूंकि पॉलीमर चेन इतनी मोबाइल होंगी या वाटर है, तो अवर मॉलिक्यूल विल फाइंड इट्स वे थ्रू दिस मोशन ऑफ द पॉलीमरिक चेन्स एंड इट विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन इन अ वेरी फास्ट वे। जो पॉलीमर बिल्कुल रिजिड होते हैं वो बिल्कुल स्टिफ पॉलीमर्स होते हैं, दे डू नॉट लेट द मॉलिक्यूल्स टू इजीली टू पास थ्रू इट। एज अ रिजल्ट, उनका फायदा उन पॉलीमर्स का ये होता है, उनकी रिजेक्शन बहुत हाई हमें मिलती है, 98% 99%, लेकिन हमें परमेबिलिटी हमें फिर बहुत। अगेन, चेन फ्लेक्सिबिलिटी इज अगेन समथिंग दैट गिव्स अस अ ट्रेड ऑफ। फ्लेक्सिबल चेन है तो इट विल बी हाईली परमिएबल बट लेस सेलेक्टिव, रिजिड चेन है तो इट विल बी हाईली सेलेक्टिव बट लेस परमिएबल। तो अगेन, जो आप पॉलीमर्स जिनके साथ काम कर रहे हो, आपने उनको जरूर देखना है, उनके स्ट्रक्चर को, एंड देन यू हैव टू मेक अ गैस के ये फ्लेक्सिबल पॉलीमर्स हैं या लेस फ्लेक्सिबल पॉलीमर्स हैं। और फिर आप जब आप अपने आर्टिकल लिखते हो तो आपने इन चीजों को फिर कोरिलेट करना है कि हमने पॉलीमर चॉइस इसलिए की थी बिकॉज वी इट इज अ हाईली सेलेक्टिव पॉलीमर। और बहुत ज्यादा रिसर्च में ये होता है कि हम चूंकि ट्रेड ऑफ है तो हम हाईली परमिएबल पॉलीमर लेते हैं या हाईली सेलेक्टिव लेते हैं, और फिर हम दूसरी चीज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, रिसर्च में हम जो स्टडीज करते हैं, आप लोग कोई किसी मटेरियल के साथ करता है, कोई आयनिक लिक्विड के साथ करता है, कोई मॉर्फ के साथ करता है, तो हम हमेशा पॉलीमर तो एक लेते हैं लेकिन हम उसके अंदर जो भी एडिशन करते हैं, जो मॉडिफिकेशन करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं ताकि जो चीज बेहतर है वो वही रहे और जो चीज कम बेहतर है वी ट्राई टू इम्प्रूव इट, ठीक है। अच्छा, पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। वाई एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्यों होता है? एक जो आम कंपाउंड्स होती हैं, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनका तो एक फिक्स्ड होता है 40-16। क्या ख्याल है आपका, पॉलीमर्स का क्यों होता होगा एवरेज? वी ऑलवेज से, जो हमारे पास यहाँ पे बॉटल्स पड़ी है ना, आप देखना इस लेक्चर के बाद,
सबका लिखा होगा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसल्फोन पॉलीथर सल्फोन। बहुत मुश्किल होता है, हंड्रेड ऑफ यस एग्जैक्टली, वेरी गुड शाबाश, सारे ठीक कह रहे हो। तो बिल्कुल इस रीजन की वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर। तो व्हाट वी डू कि हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये दो वेज हैं जिनके थ्रू आप ये इन सारे बॉटल्स के ऊपर लिखा होगा, या लिखा होगा एम एन या दोनों लिखे होंगे या एम डब्ल्यू लिखा होगा। एम एन का मतलब है इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने अगेन समथिंग जो जब भी आप रिपोर्ट्स लिखो थीसिस लिखो पेपर्स लिखो तो हमेशा आप लिखो उसको जरूर कि मैंने ये पॉलीमर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट में लिखो इट्स वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज दिस, इट्स नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज दिस। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ चेन्स हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर वेट है पॉलीमर में। मिसाल के तौर पे हमने देखो ये एक पॉलीमर एक लिया था, इसके अंदर एक बल्कि रैंडम के ऊपर आ जाते हैं, एक हमारे पास ये मोनोमर है जिसका सर्टन मॉलिक्यूलर वेट है। तो लेट्स से हम कहते हैं इस तरह की 10 चेन्स हैं और एक ये है इस तरह की 11 चेन्स हैं। तो हम क्या करेंगे अगर ये जो 10 है इनका मॉलिक्यूलर वेट 100 है तो 10 × 100 प्लस इस तरह की 11 चेन्स है पॉलीमर में तो 11 × और उनका हर चेन का मॉलिक्यूलर वेट 200 है तो 10 × 100 प्लस 11 × 200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चेन्स। टोटल है 10 प्लस 11 तो नंबर ऑफ चेन्स और हर चेन का एक खास मॉलिक्यूलर वेट होगा प्लस नंबर ऑफ चेन्स और उनका मॉलिक्यूलर वेट प्लस नंबर ऑफ चेन्स उनका मॉलिक्यूलर वेट। ये नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये मुझे आप खुद बताओ इस इक्वेशन से देख के कि वेट एवरेज कैसे निकालेंगे। दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैंने बताया ना, नंबर से या वेट से। वेट के केस में इस फॉर्मूला से आपको क्या लग रहा है कि क्या कैसे डिटरमिन होगा किसी भी पॉलीमर का जिसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं। हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट फिर क्या? हाँ वो तो फिर यहाँ भी यही था, नंबर ऑफ मोनोमर्स और उनका मॉलिक्यूलर वेट। तो हेरा आप पॉलीमर इंजीनियर हो? नहीं नहीं नहीं, देखो वेट वेट से आपको कुछ आइडिया होना चाहिए वेट। हाँ नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ उसका, तो मिसाल के तौर पे एक पॉलीमर है उसके अंदर हमारे पास 200 ग्राम सर्टन मोनोमर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, 200 × 100 प्लस सलाम अलैकुम प्लस हमारे पास सर्टन नंबर ऑफ चेन्स है जिनका वेट 300 ग्राम है और उनका मॉलिक्यूलर वेट है 1000। तो वेट ऑफ ऑफ दैट मोनोमर और वो कितना है पॉलीमर में टाइम्स उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है तो नॉर्मली और इनका जो रेशियो है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम कहते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। अब ये भी आपने जरूर चेक करना है इस लेक्चर के बाद, मेरे ख्याल में जितनी भी ये बॉटल्स है हमारे पास पॉलीमर्स की इन सब में इनका रेशियो भी ज्यादा होगा। ठीक है और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए हम हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉलीमर नहीं मिलेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट शायद 20,000 से कम हो, 20,000 ग्राम पर मोल से मिनिमम 20,000 होगा। आपको कुछ पॉलीमर्स मिलेंगे जिनका शायद 1,00,000 से भी ज्यादा होगा हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हमारे पॉलीमर का उतनी इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होंगी ऑब्वियसली है, तो उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी
क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिटरमिन डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा हमारे इंट्रैक्शंस हो सकती है जो भी गैस है जो जो भी लिक्विड है उसके साथ. तो एज अ रिजल्ट फिल्म फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है. बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि सॉल्यूशन कास्टिंग से मेम्ब्रेन बनाते हैं, है ना. क्या करते हो आप, उसको डिसॉल्व करते हो और फिर डिसॉल्व करने के बाद सॉल्वेंट को एवेपोरेट कर देते हो. आप इसी तरह बनाते हो डेंस मेम्ब्रेन जो बनाते हैं. तो ये जो मेम्ब्रेन बनाते हैं इनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. लेकिन जितनी ज्यादा साइट्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी उतनी ज्यादा वो सॉल्वेंट के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी बेहतर होगी, उसकी इंटरेक्शन भी बेहतर होगी. तो दैट्स व्हाई वी नॉर्मली टेंड टू वर्क विद पॉलीमर्स दैट हैव हाई मॉलिक्युलर वेट. पोरोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. नहीं 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 नहीं, देखो जो पोर्स है ना, थोड़ा सा भी वेट कर लो, मैं आपको फर्क बताता हूँ पोर्स का और जो चेन्स की हम बात कर रहे हैं. ये जो सारी हम बात कर रहे हैं ना कि पॉलीमर्स के अंदर स्पेसेस, हाँ के अंदर, हाँ और पॉलीमर के अंदर ताल्लुक नहीं है, उस वक्त होता है. हाँ 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 जी 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 जी. नहीं 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 नहीं, पोरोसिटी पे नहीं होता. थोड़ी देर बाद ना, अभी हम दोनों चीजें डिस्कस करते हैं. अभी हम ये भी डिस्कस करते हैं ये जो एंटेंगलमेंट है, ये जो स्पेसेस हैं, और हम थोड़ा सा आपको वहां पे जाके मैं डिस्कस करूंगा, आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पोर्स कैसे बनते हैं. ठीक है, थोड़ा सा वेट कर. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि पॉलीमर जब आपके पास आता है और आप उसके साथ काम करते हो, उसको यूज करते हो डिसॉल्व करने के लिए, आगे मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो वो किस स्टेट में होता है. नॉर्मली देर आर टू स्टेट्स ऑफ पॉलीमर्स, वन इज ग्लासी स्टेट एंड द अदर इज रबरी स्टेट. ठीक है, तो ग्लासी एंड रबरी स्टेट, ये क्या होती है ग्लासी एंड रबरी स्टेट्स? ये ग्लासी और रबरी स्टेट डिपेंड करती है कि हमारे पॉलीमर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसको हम टी सबस्क्रिप्ट जी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी जी से. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हमारा पॉलीमर जो है वो डिफॉर्म कर जाता है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सब्सटेंशियली उस पॉइंट के ऊपर रिड्यूस करता है और ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कम हो जाता है पॉलीमर का. अब ये होता कैसे है? हम नेचुरली एक इनिशियली हर पॉलीमर जो है वो ग्लासी स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ग्लासी स्टेट वो होती है जिसके ऊपर हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है हाई होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो पॉलीमर स्ट्रक्चर है वो रिजिड होते हैं. दे आर, जो अभी हम बात कर रहे थे फ्लेक्सीबिलिटी की, वो इनिशियली पॉलीमर चेन के अंदर नहीं होती. अब क्या होता है, हम पॉलीमर को हीट करना शुरू करते हैं. इन अदर वर्ड्स हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जब हम थर्मल एनर्जी पॉलीमर को प्रोवाइड करते हैं तो वो जो चेन्स थी जो कि पहले बहुत रिजिड थी, वी स्लोली ट्राई टू गिव देम इनफ एनर्जी सो डेट दे कैन स्टार्ट टू बिकम मोबाइल एंड फ्लेक्सीबल. फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. उस टेम्परेचर के ऊपर देर इज जस्ट इनफ थर्मल एनर्जी टू ओवरकम जो भी बैरियर था उस पॉलीमर का, जो रिस्ट्रिक्शन थी इन रोटेशन ड्यू टू व्हाटएवर रीजन. यहाँ तो बल्कि साइड ग्रुप्स लिखा है लेकिन और भी कोई हो सकता है, मिसाल के तौर पे डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई और रीजन हो सकती है. तो हम वो जो बैरियर था हम उस बैरियर को ब्रेक कर देते हैं. नाउ सडनली ऑल ऑफ अ सडन बिकम्स पॉलीमर बिकम्स जस्ट लाइक पॉलीथाइलीन की जो हमने एग्जाम्पल दी थी, एकदम बहुत फ्लेक्सीबल हो जाता है. It rotates around it, the chains of polymer rotate around this, it their axis. As a result, huge amount of spaces create हो जाती हैं, क्योंकि जब एक polymer है बिल्कुल stiff है, बिल्कुल different behave कर रहा है, it is not letting anything to pass through. अब वो जू move करेगा, इतना high molecular weight compound है तो उसके अंदर spaces create होंगी, voids create होंगे, और इसको और उसको हम उस polymer को कहेंगे rubbery polymer. रबरी पॉलीमर, इसका मतलब है वो पॉलीमर होता है
जिसको इनफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर चुके होते हैं टू ओवरकम दिस बैरियर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन. समझ आई इस बात की? ठीक है. तो व्हाट वी डू, ग्लासी स्टेट इज अ रीजन ऑफ हाई मॉड्यूलस, रबरी स्टेट इज सिंपली रीजन ऑफ लो मॉड्यूलस. बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, बिलो टीजी, पॉलीमर चेन्स आर स्टिफ. As we move to glass transition temperature, we provide enough thermal energy to overcome the restriction. And above glass transition temperature, a polymer exists in rubbery state and it can rotate around its axis very fast. अब जो glass transition temperature है, ये जो मैं spaces की बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं free volume in a polymer. कि polymer के अंदर कितना वॉल्यूम ऐसा है जो कि अवेलेबल है फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज थ्रू. अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ से देखें तो बहुत आपको क्लियर आइडिया होगा कि एक्स एक्सिस पे है हमारे पास टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे है पॉलीमर का टोटल वॉल्यूम. अब पॉलीमर के अंदर, हर पॉलीमर के अंदर दो तरह के वॉल्यूम्स होते हैं. एक वॉल्यूम वो होता है जो कि ऑक्यूपाई किया होता है, डेट इज ऑक्यूपाइड बाई पॉलीमेरिक चेन्स, और एक होता है फ्री वॉल्यूम, दैट इज द स्पेसेस दैट आर बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन्स. अगर आप देखो तो जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, हमारा जो वी नॉट इज फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉलीमेरिक चेन्स है, ये सेम रह रहा है ना, मूव नहीं कर रहा. लेकिन जो फ्री वॉल्यूम है ये एक पॉइंट तक सेम रहता है, उसके बाद ड्रास्टिक इंक्रीज होता है. So as we move to glass transition temperature, free volume of the polymer that is unoccupied by polymeric chain increases substantially. इसकी वजह से क्या होगा? अब आप मुझे बताओ permeability और selectivity के point of view से कि until glass transition temperature, when a polymer is a glassy polymer or in a glassy state, it is until glass transition temperature. It will be a very less permeable. It would have probably high. Exactly, Shavash. So, जो ही हम glass transition temperature cross करते हैं, एक quick deformation होती है from glassy to rubbery, और suddenly हमारी glass transition permeability high होती है. हम मिसाल के तौर पे, हम यहाँ पे जो pervaporation में काम कर रहे हैं, हम PDMS, siloxane, एक rubbery polymer के साथ कर रहे हैं. We expect rubbery polymer to be highly flexible and highly and less selective and highly permeable. Yes. अब देखो इसी चीज को मैं link, कोई अभी तक हम polymer chemistry, कोई hi-fi chemistry की बातें नहीं कर रहे है ना, हम simply structures को, bonds को correlate कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे permeability हम enhance या reduce कर सकते हैं. अब ये जो सारी बातें हैं, इसको हम दोबारा हम correlate करते हैं जो हमने पीछे discuss किया. आपके ख्याल में कौन से पॉलीमर्स ऐसे हैं जो के ग्लासी पॉलीमर्स होंगे, कौन से पॉलीमर्स जिनकी जो जिनके लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मूव देम इनटू रबरी स्टेट, और कौन से पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनको हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा. यहाँ से आप देखो जो हम ये बातें कर रहे थे, या ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा है ना, दे आर ऑलरेडी सो फ्लेक्सिबल, दे डू नॉट नीड टेम्परेचर, दे डू नॉट नीड हीटिंग, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही प्रोबेबली इतने फ्लेक्सिबल होंगे कि वो हम कहेंगे वो रबरी, उनको हमें लो करना पड़ेगा टेम्परेचर. और जो पॉलीमर्स हैं जो कि रिजिड पॉलीमर्स हैं, डबल बॉन्ड, एरोमेटिक्स, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइमाइड, जिनके अंदर रिंग्स हैं, बल्की मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने बल्कि पॉलीमर्स होते हैं, इतने रिजिड होते हैं, इतने स्टिफ होते हैं कि वी नीड टू गिव देम हाई टेम्परेचर, 100, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस. हर पॉलीमर का एक जाहिर है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ऑब्वियसली, तो हर पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिन करता है कि हमें किस टेम्परेचर पे जाके वो शिफ्ट करेगा फ्रॉम ग्लासी टू रबरी स्टेट. ठीक है. अच्छा, आप मेरा अब आपसे सवाल है जो कि इस वक्त मेरे जहन में आया है, लेट मी आस्क यू अबाउट इट, कि एक बल्कि इसको पहले देख लेते हैं यहाँ पे.
ये जो सारे पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, दे आर लो ग्लास ट्रांजिशन, लो टीजी पॉलीमर्स. एरोमेटिक्स हाई टीजी, डबल बॉन्ड हाई टीजी. द वंस व्हिच हैव आर डबल बॉन्ड बट अ लॉट ऑफ सिंगल बॉन्ड स्टिल लो टीजी. इसी तरह ये आप कुछ एग्जांपल्स देखो, पॉलीथाइलीन की फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ग्लास ट्रांजिशन -120. अगर यहाँ पे जो पॉलीप्रोपाइलीन है -15, पॉलीविनाइल क्लोराइड है 87, नाइट्राइल है, पॉलीक्रेलो नाइट्राइल है 120, एंड देन एरोमेटिक्स जो जो आगे 1-2 डबल हो गया. ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप आया, वी नीड मोर टेम्परेचर टू सरपास द अपर बाउंड. ये कुछ पॉलीमर्स हैं, इनमें जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये आप लोगों के एक छोटी सी असाइनमेंट भी है. ये स्ट्रक्चर्स इनके गिवन है, आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, मेरी स्लाइड्स में भी गिवन है, बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिए है. तो ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आपने देखना है. कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है. तो आपने देखना है कि क्यों इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम है और क्यों कुछ का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. बहुत ईजिली आप देख लोगे. तो आप अपनी बुक से देख लेना, ये जो मैं स्लाइड शेयर करूंगा यहाँ से देख लेना, और आपने कोरिलेट करना है कि व्हाई अ सर्टेन पॉलीमर हैज लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड व्हाई अ सर्टेन टेम्परेचर पॉलीमर हैज अ हाई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. अच्छा, बिफोर आई मूव टू अगेन शो यू, बिल्कुल पहले इसको देख लेते हैं बिफोर आई आस्क यू द क्वेश्चन. यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मैं थोड़ी देर पहले बातें कर रहा हूँ, ये सारा उसका प्रूफ है, और ये भी आपने अगेन स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट करना है. मैंने आपसे कहा ना कि कुछ पॉलीमर के सेलेक्टिविटी और परमेबिलिटी में हमेशा ट्रेड ऑफ होता है. वो पॉलीमर जिनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होता है वो परमिएबल होते हैं, वो लेस सेलेक्टिव होते हैं, एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर ये जो 4-5 पॉलीमर्स हैं, ये इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर -200 -100 बहुत लो है. इनकी परमेबिलिटी देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए हजारों के अंदर या हंड्रेड्स में है, लेकिन ट्रेड ऑफ है. सिलेक्टिविटी इज 1.5 का मतलब के ना होने के बराबर. सिलेक्टिविटी होती है रेशियो ऑफ अवर डिजायर्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ अवर अनडिजायर्ड. तो वन का अगर सिलेक्टिविटी वन हो, इसका क्या मतलब होगा? देयर इज नो सेपरेशन. जितना डिजायरेबल कंपाउंड जा रहा है उतना ही अनडिजायरेबल. जितनी ज्यादा सिलेक्टिविटी होगी, इसका मतलब है हमारा डिजायरेबल कंपोनेंट उतना ज्यादा परमिएबल है, अनडिजायरेबल उतना कम. लेकिन जब आप ग्लासी पॉलीमर्स की तरफ आते हो तो आप देखते हो यहाँ हंड्रेड्स में है, यहाँ पे 0.001 PVA 0.0019. उनकी सिलेक्टिविटी उतने ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है. ठीक है, तो हम हमेशा जब पॉलीमर की सिलेक्शन करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो हम इन चीजों को जरूर देखते हैं कि हमारा पॉलीमर नेचुरली मोर सिलेक्टिव है, तो हम उसको कुछ इस तरह मॉडिफाई करें, उसके अंदर नैनो मटेरियल्स डालें, डीप्योटेक्टिक सॉल्वेंट्स डालें, आयनिक लिक्विड्स डालें, कि सिलेक्टिविटी बी मेंटेन रहे. ये ना हो कि हम दूसरा कंपोनेंट डालें, सिलेक्टिविटी चली जाए नीचे और परमेबिलिटी ऊपर चली जाए, जो कि बहुत सारे केसेस में होता है. हम दूसरे एक को फिक्स रखते हुए दूसरे को हम एनहांस करने की कोशिश करते हैं. जब से मेम्ब्रेन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई है आज तक, यही हर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, 90% रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि इस ट्रेड ऑफ को तोड़ा जा सके, हाईली सिलेक्टिव एंड हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन्स बनाई जा सके. अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है अबाउट द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, कि हम क्यों कहते हैं कुछ पॉलीमर्स, मैंने अभी बार बार कह रहा हूँ कि ये इनमें से कुछ पॉलीमर्स रबरी पॉलीमर्स हैं, कुछ पॉलीमर्स ग्लासी पॉलीमर्स हैं. अभी तो मैंने कहा हर पॉलीमर पहले रबरी स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसमें वो रिजिड होता है, फिर हम उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो ग्लासी में चला जाता है जिसमें वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, सॉरी रबरी में चला जाता है. तो और यहां मैं कह रहा हूं कि ये एक रबरी पॉलीमर है, एक ग्लासी पॉलीमर है, ये क्यों? हाँ ठीक कह रहे हो. नहीं नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हर पॉलीमर सेलुलोज एसिटेट ने सेलुलोज एसिटेट ही रहना है.
हाँ नहीं कि मजा नहीं आया। टेम्परेचर में जो टीजी है वो हाँ उसका कुछ केमिकल्स का पॉलीमर्स का ऐसा है कि वो टीजी गुजर चुका होता है, तो वो रबड़ी में आके और कुछ का अभी वो नहीं खुला होता, तो वो निकला यस, टीजी मतलब ग्लास ट्रांजिशन, वो पॉइंट जिस पे हम ये शिफ्ट होती है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिया कि अभी इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, जो मैंने ये नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रूम टेम्परेचर पे ये जितने भी पॉलीमर्स हैं ये ऑलरेडी एट रूम टेम्परेचर जिस पे आपके पास पॉलीमर मौजूद होता है, दे आर इन विच स्टेट, रबरी स्टेट। यानी कि पॉलीडाइमिथॉक्सी सिलोक्सेन PDMS, जो आप में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, -123 से नीचे ये ग्लासी स्टेट में होता है। -123 से ऊपर ये जो भी टेम्परेचर होगा इसको थर्मल एनर्जी मिल चुकी हुई है, इट इज इन रबरी स्टेट। लेकिन पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट रूम टेम्परेचर पे पॉलीकार्बोनेट ग्लासी स्टेट में होगा। वी हैव टू हीट इट टू 150 डिग्री सेल्सियस टू मूव टू रबरी स्टेट। अब यहाँ पे एक और चीज हमारे जहन में अब बैठनी चाहिए कि हमें एप्लीकेशन के वक्त ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जरूर देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी एप्लीकेशन है 53 डिग्री सेल्सियस पे या 50 पे या 30 पे या 29 पे। उससे क्या होगा कि आपने मेम्ब्रेन बनाते हुए जब पॉलीमर लिया तो वो ग्लासी स्टेट पे था, जब आप ऑपरेट कर रहे हो इक्विपमेंट के ऊपर तो वो रबरी स्टेट में आप एग्जिस्ट कर रहा है। तो जाहिर है आपने हाइपोथेसिस लिया था ग्लासी का और वो जब ऑपरेशन है उसका तो वो ग्लासी रबरी स्टेट में। तो ऑलवेज मेक श्योर के जो आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो आपका वही स्टेबल रहना चाहिए जब आप जिस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, तो रबरी पॉलीमर वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी रबरी फॉर्म में आ चुके होते हैं। ग्लासी पॉलीमर वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ग्लासी स्टेट में होते हैं और उन्हें हमें हीट करना पड़ता है रबरी स्टेट में आने के लिए। ये चीज समझ आ गई, टीजी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अब सबको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ और हम हमारी जो यहाँ पे जब रिसर्च हम करते हैं तो बहुत सारे केसेस में जहाँ पे हम कुछ नैनो मटेरियल्स को ऐड करते हैं मेम्ब्रेन्स में, तो हम अपनी मेम्ब्रेन्स का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जरूर मेजर करते हैं। आप में से कोई गेस कर सकता है कि क्यों हम करते हैं? हाँ नहीं, कहाँ चले गए हो, इतना मुश्किल नहीं बनाना चीजों को, पॉलीमर आ जाएगा परमिएट में। जी हाँ, एक तो बात बिल्कुल सही है ना। देखो देखो, एक मिनट, आसान रखते हैं चीजों को, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम। आम तौर पे आप लोग, बहुत सारे लोग मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन बना रहे होते हो, अगर मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नहीं भी बना रहे होते हो तो थिन फिल्म नैनो कंपोजिट मेम्ब्रेन बहुत बना रहे हो, है ना। मॉस डाल रहे हो, जियोलाइट्स डाल रहे हो, दूसरी चीजें डाल रहे हो, इवन आयनिक लिक्विड डाल रहे हो, डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट्स डाल रहे हो। अब ये एक पॉलीमर है जिसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, ये उस पॉलीमर का है, सेलुलोज एसिटेट फॉर एग्जांपल कोई पॉलीमर है। अब जब आपने इसके अंदर मॉर्फ ऐड किया, आप में से बहुत सारे लोग मॉर्फ के ऊपर काम कर रहे हो, तो मॉर्फ इस पॉलीमर को कुछ कुछ तो चेंज करेगा, इसको क्या कर सकता है। आमतौर पे ये जो नैनो पार्टिकल्स है ना, जब ये मेम्ब्रेन बनती है तो ये अगर एक नैनो पार्टिकल है और ये एक पॉलीमर है,
तो इन चूंकि ये नैनो पार्टिकल इज इनऑर्गेनिक, पॉलीमर इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक चूंकि लाइक नहीं है तो डोंट रियली लाइक ईच अदर, तो इनके दरमियान एक स्टिफनेस आ जाती है। ये जो इनका इंटरफेस है जहां पे ये नैनो पार्टिकल की सरफेस पॉलीमर के साथ अटैच हो रही है या इंटरेक्ट कर रही है, ये एक रिजिड इंटरफेस बन जाता है क्योंकि आपस में दोनों घुल मिल नहीं उस तरह सकते, दोनों के दरमियान एक डिफरेंस हमेशा रहता है। अब ये जो रिजिडिटी आई इस पॉलीमर, और जितना हम नैनो पार्टिकल डालते जाएंगे उतना ये इंटरफेस, ये एक है यहाँ पे हमने एक और डाला तो ये भी स्टिफनेस क्रिएट करेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में, है ना, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब ये जो सारी चीजें, ये तो देखो हम थ्योरेटिकली कर रहे होते हैं, हम आप में से बहुत सारे लोग हैं वो मेम्ब्रेन बनाते हैं, पहले 1 ग्राम नैनो पार्टिकल डालते हैं, फिर 2 ग्राम डालते हैं, एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसमें 3 ग्राम डालते हैं। अब हमें कैसे पता चल रहा है चलेगा कि स्ट्रक्चर स्टिफ हुआ, रिजिड हुआ, हुआ नहीं हुआ? हम क्या करते हैं इन मेम्ब्रेन को बनाने के बाद उनकी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ये मीयर कैसे होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग क्लोरोमेट्री एक टेक्निक है, उससे हम टीजी मेजर करते हैं कि प्योर पॉलीमर का 150 था, जब हमने 1 ग्राम नैनो मटेरियल मैगजीन डाली, मॉफ डाला, तो ये 155 पे चला गया, फिर हमने 2 ग्राम डाला 165 पे चला गया, 180 पे चला गया। इससे फिर जब हम रिपोर्ट करते हैं, थीसिस लिखते हैं, इससे जो हमारे रिजल्ट आते हैं उनको बड़ी सपोर्ट मिलती है। वरना कोई बंदा पूछता है ये क्या परमेबिलिटी आपकी एकदम डिक्रीज हो गई, सिलेक्टिविटी बड़ी इंक्रीज हो गई, हालांकि आपका तो एक पोरस मटेरियल था, उसमें तो वाटर फ्लो ज्यादा हो जाना चाहिए था, गैस की परमेबिलिटी ज्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी परमेबिलिटी, आप लोगों के कुछ रिजल्ट इस तरह के मैंने देखे हैं, परमेबिलिटी ड्रॉप, फ्लक्स ड्रॉप हो गया, परमेबिलिटी सिलेक्टिविटी हाई होगी। तो बाई डूइंग टीजी मेजरमेंट्स वी से कि इवन दो वी एडेड अ पोरस मटेरियल, लेकिन जितना हम डालते गए ये स्टिफनेस आते गई हमारे स्ट्रक्चर पे। एज अ रिजल्ट चूंकि रिजिडिटी आई, उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हाई हुआ, हमारी जो परमेबिलिटी है वो ड्रॉप कर गई और हमारी समहाउ सिलेक्टिविटी इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो टीजी का बहुत रोल होता है मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन या जब भी कोई हम पॉलीमर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई नैनो मटेरियल डालते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह थर्मल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, वी नो के इनऑर्गेनिक सेरेमिक्स की हाई हैं, लेकिन पॉलीमर में रूल ऑफ थंब ये है कि अगर हमने हाई थर्मल हाई केमिकल रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी लेनी है तो पॉलीमर ऐसा होना चाहिए जिसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत हाई हो, इन अदर वर्ड्स रबरी ग्लासी पॉलीमर, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई हो, और जितना पॉलीमर क्रिस्टलाइन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी की जिस तरह जब हम बात कर रहे थे, उतनी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन कोरिलेट विद व्हाट वी डिस्कस्ड इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, अगर हमने हाईली थर्मल, आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जो कि 120 160 डिग्री के ऊपर है, आप अल्कोहल्स के साथ डील कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को फिल्टर कर रहे हो, तो हमें हाई क्रिस्टलिनिटी किस तरह मिलेगी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के साथ, हाई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसे मिलेगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और सिमेट्री का ताल्लुक नहीं है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का ताल्लुक है रिजिडिटी से, चेन रिजिडिटी। तो एरोमेटिक्स, डबल बॉन्ड्स, जहां पे भी हम रिजिडिटी को रिड्यूस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब आपने ऐसी मेम्ब्रेन बनानी हो जहाँ पे हमें हाई डिग्री ऑफ थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मेम्ब्रेन की इतनी इम्पोर्टेंट पहले होती थी, अब नहीं है, बिकॉज नाउ वी मेक दीज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन जिनके अंदर एक सब लेयर होती है एंड देन वी हैव अ टॉप लेयर, आइदर वी मेक इट थ्रू वन स्टेप प्रोसेस दैट इज फेज इन्वर्जन, or we make it to a two-step process in which we first make a support and then by using some kind of technique we coat a top layer on top. Due to this reason, since our membranes have thicknesses of about 250 micrometer, 200-250 micrometer, तो ये हमारी अब जितनी भी membranes हैं, आप लोग खुद testing करते हो,
दस बार बीस बार बहुत हाई प्रेशर पे भी आप लोग टेस्टिंग करते हो, कुछ नहीं होता मेम्ब्रेन को जी। इसको थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन कहते हैं। हाँ, कल हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें हम पॉलीमर के अंदर नैनो पार्टिकल्स डालते हैं, ये मिक्स मैट्रिक्स होती है। कंपोजिट मेम्ब्रेन वो होती है जिसके अंदर एक सपोर्ट होती है और उसके ऊपर एक टॉप लेयर। यहाँ पे भी दो डिफरेंट मटेरियल है लेकिन एक पॉलीमर है और एक इनऑर्गेनिक है। यहाँ पे नीचे भी पॉलीमर है ऊपर भी पॉलीमर है, वी कॉल इट अ थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन। अच्छा, एडिटिव्स हमने कुछ कल डिस्कस किया कि हम मिक्स मैट्रिक्स में हम अक्सर पॉलीमर्स के अंदर कुछ एडिटिव्स डालते हैं ताकि एक और चीज मैं भूल गया आपको बताना, वो भी बताता हूँ, ताकि हम परमिबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, सिलेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। हमने डिटेल में डिस्कस किया हाँ एडिटिव्स को हम क्यों डालते हैं। अच्छा, एक चीज होती है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर एक ऐसी एक फिनोमिना है प्लास्टिसाइजेशन, ठीक है, प्लास्टिसाइजर जिसका लिखा हुआ इसी तरह प्लास्टिसाइजेशन। प्लास्टिसाइजेशन ये होती है कि जब हमारी डेंस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो जब हम पोरस मेम्ब्रेन्स के बजाय डेंस मेम्ब्रेन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, पर वेपोरेशन, गैस सेपरेशन, ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हम डेंस मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं। तो डेंस मेम्ब्रेन कैसे सेपरेट करती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी एक वाटर की मेम्ब्रेन से, गैस की मेम्ब्रेन से, जब गैस या वाटर का मेम्ब्रेन से, हाँ, तो इस हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक को इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इन अफिनिटी, है ना, लाइकनेस अफिनिटी ज्यादा होगी। तो डेंस मेम्ब्रेन या नॉन पोरस मेम्ब्रेन साइज की बेस पे सेपरेशन नहीं करती बल्कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कितना इंटरेक्शन ज्यादा है। अब अक्सर हम क्या करते हैं, आपने हाइड्रोफोबिसिटी की बात की, हाइड्रोफिलिसिटी की या इंटरेक्शन की, अगर हम एफिनिटी बहुत हाई कर दें एक मेम्ब्रेन में, एक मेम्ब्रेन के मटेरियल की विद अ परमिएटिंग मॉलिक्यूल्स, तो उससे कोई नुकसान होगा या क्या होगा, परमिबिलिटी ज्यादा होगी, होनी चाहिए ना, क्योंकि जितनी हुई मटेरियल पास ही एफिनिटी की वजह से हो रहा है, तो जब एफिनिटी ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा इजीली गैस लिक्विड पास होगा, वो क्यों नहीं, सिलेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देखो, हम एथेनॉल को वाटर से सेपरेट कर रहे हैं, अब हमारा जो मेम्ब्रेन मटेरियल है वो ऐसा है जो कि सिर्फ एथेनॉल की सॉल्युबिलिटी है, वाटर की सॉल्युबिलिटी ना होने के बराबर है, ठीक है, वाटर के वाटरफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, एक्सट्रीमली सुपर हाइड्रोफोबिक है, एथेनॉल के लिए हाई एफिनिटी है, सिर्फ एथेनॉल पास हो रहा है, वाटर पास ही नहीं हो रहा, तो 100% सिलेक्टिव है। परमेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि पास ही सॉल्युबिलिटी पे हो रहा है। इसका एक नुकसान है, व्हाट कैन बी दैट डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग टू मच एफिनिटी। हाई एफिनिटी की वजह से क्या होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि पॉलीमर्स आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स, दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स दैट हैव फ्री वॉल्यूम इनसाइड, नहीं, फॉलिंग नहीं, डेंस मेम्ब्रेन है ना, तो होता यह है कि पॉलीमर स्वेल करने लग जाता है। जब एक चीज कोई भी आप चीज है, पानी आप एक कागज के ऊपर पानी डालते हो तो एफिनिटी ज्यादा होती है, पानी फूल, वो पेपर फूल जाता है। स्वेलिंग से क्या होता है, एक पॉलीमर जब इस तरह का पॉलीमर था, जब वो बहुत ज्यादा स्वेल हो गया, उससे क्या नुकसान होगा, क्यों कम होगी, वॉइड ज्यादा हो जाएंगे, पहले वाटर अफिनिटी की बेस पे वाटर ने पास नहीं होना था, लेकिन अब वाटर को इतना रास्ता मिल गया, इतने वॉइड्स मिल गए, क्या वाटर भी पास होना शुरू हो गया, एथेनॉल भी पास हो रहा है, वाटर भी पास हो रहा है, एज ए रिजल्ट हमने इतनी अफिनिटी बढ़ा दी कि हमें लेने के देने पड़ गए और हमारी सिलेक्टिविटी ड्रॉप हो गई।
इवन दो कि हमेशा इस प्रोसेस को कहते हैं, जो मेम्ब्रेन स्वेलिंग का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं प्लास्टिसाइजेशन। ठीक है, ये प्लास्टिसाइजेशन का टर्म यहाँ तो नेगेटिव टर्म है, लेकिन मटेरियल साइंस में इसको पॉजिटिव भी इसको किया जाता है। हाँ, टफनेस बढ़ाने के लिए, बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी, अक्सर स्टिफ होते हैं हमें उसको एग्जैक्टली तो लो कर देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन मेम्ब्रेन्स के केस में वी नॉर्मली से कि प्लास्टिसाइजेशन इज समथिंग विच वी डू नॉट वांट, बिकॉज हमने मेम्ब्रेन बनाई थी एक सर्टेन कंडीशन के लिए, जब वो अफिनिटी इतनी ज्यादा हुई तो वो बहुत स्वेल कर गई, जब वो स्वेल कर गई तो हमें परमेबिलिटी बड़ी ज्यादा मिलना शुरू हो गई, लेकिन हमारी सिलेक्टिविटी ड्रॉप हो गई। अब ये जो प्लास्टिसाइजेशन है लैब के अंदर तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज वो जब मेम्ब्रेन परचेज करते हैं तो उसकी कुछ परमेबिलिटी सिलेक्टिविटी होती है, वक्त के साथ साथ प्लास्टिसाइजेशन इंक्रीज होती जाती है, एंड इवेंचुअली दे से आफ्टर फ्यू मंथ्स कि हमारी मेम्ब्रेन पहले 90% रिजेक्शन दे रही थी, अब उसकी रिजेक्शन बहुत ड्रॉप हो गई। तो एज अ रिजल्ट इससे मैं लिंक करता हूँ, हम जो क्या करते हैं मेम्ब्रेन्स के केस में, हम पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, ये एक पॉलीमर की मेन चेन है, ये उसकी साइड चेन है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा केमिकल यूज करते हैं जो कि एक पॉलीमर को की एक चेन को दूसरी चेन के साथ बांध देता है या क्रॉस लिंक कर देता है, इस तरह दोनों को लिंक कर देता है। ठीक है, आमतौर पे इसके लिए अमाइन बेस्ड क्रॉस लिंकर्स यूज होते हैं जो कि एक चेन को दूसरी चेन के साथ साइड चेन्स को आपस में क्रॉस लिंक कर देते हैं। क्रॉस लिंकिंग का फायदा ये होता है कि मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और वो इतनी आसानी से, क्योंकि वो देखो एक चेन जो कि पहले अलहदा से मौजूद थी ये किसी भी थर्ड कंपोनेंट से बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी, लेकिन जब हमने दो चेन्स को आपस में बांध दिया, क्रॉस लिंक कर दिया, अब इनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से थर्ड कंपोनेंट से इनकी इंटरेक्शन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में, बल्कि हम अपनी रिसर्च में भी थोड़ा सा इसको मजीद डिस्कस करेंगे, अभी आज तक हमने बहुत कम इसके ऊपर काम किया है इस लैब में। क्रॉस लिंकिंग का फायदा ये होता है कि मेम्ब्रेन्स की स्टेबिलिटी जो है ना वो काफी, आप उनको बार बार रीयूज भी कर सकते हो, लेकिन क्रॉस लिंकिंग का नुकसान ये होता है कि वो किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होती, वो पॉलीमर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो हम ये करते हैं, हम पॉलीमर को क्रॉसलिंक नहीं करते, क्योंकि पॉलीमर को क्रॉसलिंक किया तो सबसे पहला काम जो हमारा है मेम्ब्रेन बनाने का, डेट इज डिजोल्विंग इनटू सर्टेन सॉल्वेंट। जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो जाहिर है हमारे लिए मेम्ब्रेन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें, हम पहले मेम्ब्रेन को बनाते हैं फिर हम उसको क्रॉसलिंक करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्रॉस लिंकिंग जो है मेरे ख्याल में हमेशा पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन होती है। तो वी मेक अ मेम्ब्रेन, देन वी पुट इट इन अ बाथ जहां पे क्रॉस लिंकर होता है, और उस क्रॉस लिंकर जो है वो जितना देर हम उस बाथ में रखते हैं डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग भी इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, वैसे ना मेरे ख्याल में आप तो इसीलिए तो आप बैठे हुए हो, मेरे ख्याल में ना हम तकरीबन चलो 5 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, वरना हम तकरीबन 15 मिनट तक शायद कम खत्म भी कर लेंगे। क्या बेहतर है, 15 मिनट में खत्म करना या नहीं? मैंने इसीलिए ना, अगर मैं आपको पूरा पूरा लेक्चर अगर हम करें ना तो आप लोग सैचुरेट हो जाओगे, तो मैं सिर्फ वही, मैंने इसके अंदर से स्लाइड्स लिए हैं जो कि आपकी रिसर्च से बहुत रेलेवेंट हैं और जिनको पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट फंडामेंटल नॉलेज ना सारा आ जाएगा। अच्छा चलो, फिर हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी ना 4-5 मिनट, क्योंकि आप लोग बाहर जाओगे आओगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो यहाँ हम बैठ के ना थोड़ी सी और एक दो बातें कर लेते हैं इससे हट के, 2-3 मैंने आप
को ना चीजें बतानी है। आई होप आई रिमेम्बर, दो तीन पॉइंट्स मैंने नोट किए थे। एक तो जुमेरात को आप लोग जा रहे हो कॉन्फ्रेंस में, कुछ लोग आप में से अगर अभी भी कोई उसमें ऐड होना चाहता है तो बता दें। हाँ, किसी का प्लान है तो बाबर को आपने बताना है। दूसरा ये है कि क्या चीज थी, हाँ नेक्स्ट वेंसडे को आपको मैंने एक और वर्कशॉप का बताया था, डेट इज इन पिशावर, ठीक है। तो अगर आप में से किसी का वहां जाने का प्लान है तो कंपल्सरी है, बिल्कुल ये उनकी तरफ से ना उन्होंने कंपल्शन लगाई हुई है कि अगर कोई थीसिस बिल्कुल स्टार्ट भी कर रहा है ना तो वो भी कोई पोस्टर बनाए। इट कैन बी एनीथिंग कि मेरी रिसर्च ये होगी, इस एरिया में मैंने काम करना है, ठीक है। तो पोस्टर प्रेजेंटेशन जरूरी है। तो आपका अगर प्लान है तो आपने कल तक बताना है, ठीक है, क्योंकि अगर तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो वी विल, मैंने और सर अपने भी चलना है ना, हमने तो जाना ही है। तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो फिर हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। और उसके बाद अच्छा, जो पेशावर में है वर्कशॉप, वहाँ पे पोस्टर कंपटीशन है, स्टूडेंट पोस्टर कंपटीशन है, ठीक है। वहाँ पे नस्क के स्टूडेंट्स हैं, यूटी पेशावर के हैं, और बाकी प्रोबेबली हम ये होंगे यहाँ कॉम्सेट से, तो थोड़े स्टूडेंट्स होंगे। और एक और कॉन्फ्रेंस है जो कि आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो भी मैंने शेयर किया था, नहीं किया था, नहीं। एक और कॉन्फ्रेंस है जो कि 24 को है, 24 को है या 25 को या 26, 25 26 या 24 25 को है। तो जो वो है ना, वो चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में है तो वो आप सब ने उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और जिनका अब यहाँ पे कौन है, वो जी आप हैदर, आप रबिया, आप भी हिरा, आप भी, आप सब ने ना, तंजीला आप भी करा देना, जिन्होंने ना कुछ काम किया हुआ है, जिनके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, आप लोगों ने ना उसमें ज़रूर एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कराना है, ठीक है। उसका ना वो एक सेशन होगा सिर्फ मेम्ब्रेन का, और उसमें उस सेशन में ना प्राइजेस भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इंशाल्लाह हमने एक प्राइज क्यों सर जरूर हमने लेना है, ठीक है। तो अब आप लोगों की ये है कि आपने आई डोंट नो वेबसाइट पे जाके देखना है कब तक डेडलाइन है, डेडलाइन से पहले पहले एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कराना है, जस्ट इन केस अगर वो डेडलाइन ओवर हो चुकी है तो फिर आपने मुझे भेजना है, ये मैं उनसे बात कर लूंगा, एब्स्ट्रैक्ट हम फिर भी कराएंगे। वजी हैदर राबिया आप भी, और हेरा भी, और तंजिला आप लोगों ने सपने करा दिए। अच्छा तीसरी एक जो है इंफॉर्मेशन, ये इस कोर्स के बाद हम छोटा सा प्रेजेंटेशन का सेशन करेंगे, ठीक है। तो जो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उनको भी हम अवार्ड देंगे। 12 लोग हैं तो 3 लोगों को, टॉप 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये अभी हमने डिसाइड करना है कि सर आज हमने ना इनके ग्रुप बनाए हैं, 3-3 के ग्रुप, तो हम ग्रुप को दें या हम ओवरऑल देखें कि हो सकता है उस ग्रुप में एक ग्रुप में एक बंदा बहुत अच्छा हो, दूसरे ग्रुप में दूसरा बंदा बहुत अच्छा हो, वो ज़्यादा बेहतर है ना इंडिविजुअल को, क्योंकि हो सकता है एक ग्रुप में एक बंदा सिर्फ वो, अक्सर जो मैं क्लास में हमारी होता था है ना वजी, कि एक बंदा ही सारा प्रेजेंट कर रहा होता था, बाकी एक जो है एक स्लाइड आके प्रेजेंट कर देता है, तो और ये बड़ा अच्छा प्राइज होगा, माइट बी कैश प्राइज हो, माइट बी समथिंग एल्स, कोई सरप्राइज हो। तो आपने और मेहनत करनी है, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ना है, साथ साथ बुक को पढ़ना है, और जो एंड पे जो मैं असाइनमेंट देता जा रहा हूँ आपने उसको साथ साथ करना है। अभी आप कंपाइल करते जाओ ना, अभी तो मैंने आपको एक ही दी है, दो दी है, एक कल दी थी और एक आज मैंने आपको स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सिखाया। अभी प्रॉपर असाइनमेंट ना एक में आज से मैं देना शुरू करूंगा, कल तो मैंने एक छोटी सी वैसे ही एकदम मेरे जहन में आई ना, आज से मैं आपको दूंगा।
और क्या थी, अच्छा हाँ एक और, जब ये सेशन हम एंड करेंगे तो इस सेशन को एंड करने के बाद ना हम कोई एक्टिविटी वी विल डू, आईटी करेंगे बिल्कुल, ठीक है? आपको संजीला ने भी ज्वाइन कर लिया तो ये हमेशा हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लगाते हैं, ये मैनेज करते हैं। अच्छी ब्रेक हो गई हाँ, ठीक है। तो ये तीन चार असाइनमेंट थी कि एक हम इसको अच्छी तरह कंक्लूड करेंगे, प्रेजेंटेशंस के अवार्ड्स होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी वाली 25-26 वाली जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी लोग भी ज़रूर जाएंगे। और फिर अब हम इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं। हार्डली थोड़ा सा एक दो तीन चीज़ें विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। ब्लेंड्स, अच्छा एक हमने बात की मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन्स की अभी ना, कि मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन्स आपके ख्याल में हम क्यों बनाते हैं, हमने क्या जिक्र किया था, व्हाट डिड वी से अबाउट इट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोथ, एक्सीलेंट गुड, मिक्स मैट्रिक्स। अच्छा हम इसी तरह व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट डिफरेंट पॉलीमर्स, हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एक कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली परमिएबल होते हैं लेकिन लेस सेलेक्टिव होते हैं, कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि हाईली सेलेक्टिव होते हैं लेकिन लेस परमिएबल। आई डोंट नो, मैं रिपीट तो नहीं कर गया बात लेकिन आप समझ गए। तो हाउ अबाउट कि हम पॉलीमर्स को मिक्स करें, पॉलीमर्स के ब्लेंड बनाए? तो बहुत सारा काम हमने भी यहाँ पे किया हुआ है और बहुत सारा होता है कि पॉलीमर्स एक हाईली सेलेक्टिव पॉलीमर को हाईली परमिएबल पॉलीमर के साथ मिक्स करके ब्लेंड बनाया जाता है ताकि दोनों को इंक्रीज किया जाए, परमिएबिलिटी को और सेलेक्टिविटी को। दो तरह के ब्लेंड्स बनते हैं, एक होमोजीनियस ब्लेंड होता है और एक हेट्रोजीनियस ब्लेंड। होमोजीनियस ब्लेंड वो होता है जिसमें पॉलीमर ए और पॉलीमर बी मॉलिकुलर लेवल पे मिक्स होके पॉलीमर सी फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। कैसे पता चलता है? बाय ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। हेट्रोजीनियस वो ब्लेंड होता है जिसके अंदर एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर के साथ डिस्पर्स होता है, कि पॉलीमर ए भी मौजूद होता है पॉलीमर बी भी मौजूद होता है, सिंपल हम जबरदस्ती उनको एक सॉल्यूशन में मिक्स कर लेते हैं। होमोजीनियस ब्लेंड में एक नया पॉलीमर समझ लो फॉर्म हो जाता है पॉलीमर ए और पॉलीमर बी की मिक्सिंग से। चेक कैसे हम करते हैं? जब हम होमोजीनियस ब्लेंड का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलता है, विच इज इसका एक फॉर्मूला है जिसको फॉक्स इक्वेशन कहते हैं। अगर टी जी डब्ल्यू वन ओवर टी जी वन प्लस डब्ल्यू टू ओवर टी जी टू, जो थर्ड होमोजीनियस ब्लेंड में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट हमने पॉलीमर ए डाला, कितने परसेंट हमने पॉलीमर बी डाला, पॉलीमर ए का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और पॉलीमर बी का। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिसका जितना कंटेंट होगा हमारे थर्ड कंपोनेंट का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर उसके उतना करीब होता जाएगा, ठीक है? इसकी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि पॉलीथाइलीन एमाइड का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 217 है, पॉलीइथर सल्फोन का 225 है और पॉलीएमाइड का 321 है। तो जब हम पीवीपी जो कि होमोजीनियस ब्लेंड बनाता है इन तीनों पॉलीमर्स के साथ जब हम उसको डालते हैं तो यहाँ पे हमने थोड़ा कंटेंट डाला वो 215 पे चला गया, यहाँ पे उसका कंटेंट डिफरेंट था। तो जितना हम कंटेंट पीवीपी का ऐड करते जा रहे हैं उतना ही इस इक्वेशन के मुताबिक उसका टीजी चेंज होता है। और जो हेट्रोजीनियस ब्लेंड है हमें ये कैसे पता चलता है कि इस तरह का ब्लेंड बना है? जब हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जो पॉलीमर ए का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर था वो भी हमें उसके अंदर मिलता है और जिस टेम्परेचर के ऊपर बी का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर था हमें उसकी पीक पीएससी में मिलती है। तो वी से चूंकि दोनों अपने वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो भी आइडेंटिफाई कर लिया तो दीज टू पॉलीमर मेड अ हेट्रोजीनियस ब्लेंड। और जहां पे हमें इस इक्वेशन के जाहिर है यहाँ से हम थ्योरेटिकल निकाल लेते हैं
फिर जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो जो टीजी यहाँ पे आया होता है वही टीजी हमें इधर मिलता है, वी से कि वी फॉर्म्ड अ होमोजेनियस ब्लेंड। और यहाँ पे एक ये हमारी एक स्टडी की एक एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने एक पॉलीमर पीडीएमएस और पॉलीथाइलीन ऑक्साइड इनको मिक्स किया, इसकी स्वेलिंग ग्रीन में शो हो रही है एक पॉलीमर की, दूसरी की रेड में शो हो रही है। जब हमने ब्लेंड किया तो व्हाट वी मैनेज कि हमने जो जिसकी बहुत लो थी उसको हमने सिग्निफिकेंटली हाई कर दिया, और इसकी जो बेटर प्रॉपर्टीज थी, जो सिलेक्टिविटी थी, वो भी हमने रिटेन कर ली। अच्छा, फाइनली मेम्ब्रेन्स के जो पॉलीमर्स होते हैं, थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे, कोई इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि जब हम सिंथेसिस की बात करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में जाएंगे। दो तरह की मेम्ब्रेन्स भी ऑलवेज से होती हैं, वन इज पोरस, वन इज नॉन पोरस। आपके ख्याल में मटेरियल जो आज सारा लेक्चर है हमने किया, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिस्टलिनिटी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, किस तरह की मेम्ब्रेन्स में आपके क्वेश्चन का भी अब जवाब आएगा। एक तो फ्री वॉल्यूम का मैंने जिक्र कर दिया है ना ऑलरेडी कि फ्री वॉल्यूम असल में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अच्छा, अब हम पोर्स की बात करते हैं। आपके ख्याल में मटेरियल जो है वो पोरस मेम्ब्रेन के लिए ज्यादा क्रिटिकल है या नॉन पोरस के लिए ज्यादा, क्यों नॉन पोरस के लिए मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? और बिल्कुल सारे का सारा डिपेंड ही मटेरियल के ऊपर करेगा। जैसा मटेरियल होगा वैसी उसकी चेन फ्लेक्सिबिलिटी, मटेरियल पॉलीथाइलीन है, फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट है, पॉलीकार्बोनेट है, हर चीज ही नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स की 100% परमेबिलिटी एंड सिलेक्टिविटी। आज हमने सारा कुछ जो पढ़ा है, एक पॉलीमर है उसका टीजी डिफरेंट है, दूसरा पॉलीमर है उसका, तो नॉन पोरस मेम्ब्रेन 100% उसमें और कोई चीज रोल नहीं प्ले करती, मटेरियल इंपॉर्टेंट है। पोरस मेम्ब्रेन में मटेरियल अब बिल्कुल, एक पॉलीमर है उसका हमने 10 माइक्रोमीटर का पोर बनाया, दूसरे का भी हमने 10 माइक्रोमीटर का, अब तो मटेरियल इररिलेवेंट हो गया है ना। अब तो हमारे लिए फिल्ट्रेशन के लिए इट इज इमटेरियल कि हमने एक मटेरियल यूज किया या दूसरा किया। तो जो पोर्स है ना, पोर्स पे मटेरियल फिर डिपेंड नहीं करता, लेकिन पोरस मेम्ब्रेन में कुछ मटेरियल की डिपेंडेंसी होती है, बिकॉज आप लोगों ने फाउलिंग की बात की थी है ना। फाउलिंग डिपेंड करता है कितनी इंटरेक्शन ज्यादा है, अगर हमारे पॉलीमर की इंटरेक्शन ज्यादा है फाउलेंट के साथ तो टेंडेंसी ऑफ फाउलिंग ज्यादा होगी, फाउलिंग की वजह से परमेबिलिटी कम होगी। तो जो पोरस मेम्ब्रेन होती है उसमें मटेरियल डिपेंड करता है कि उसकी क्लीनिंग कितनी इजी है उस मटेरियल की, उसकी फाउलिंग कितनी होगी एंड सो ऑन। लेकिन मेनली मटेरियल डिपेंड करता है नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स में। तो व्हाट वी डू इन केस ऑफ माइक्रोफिल्ट्रेशन, जो बड़े पोर्स वाली मेम्ब्रेन्स हैं, इस केस में हम हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स भी यूज करते हैं और हाइड्रोफोबिक मटेरियल भी यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे टेफ्लॉन पीटीएफपी एक्सट्रीमली सुपर हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, पीवीडीएफ पॉलीप्रोपिलीन हाइड्रोफिलिक मटेरियल भी यूज करते हैं, बिकॉज हाइड्रोफोबिक मटेरियल इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हाइड्रोफोबिक मटेरियल स्टेबल बहुत होते हैं, हाइड्रोफिलिक मटेरियल इतने स्टेबल नहीं होते। हाइड्रोफिलिक मटेरियल सेलुलोज मटेरियल्स, पॉलीमाइड्स, आप में से बहुत सारे लोग यूज करते हो, इनको हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये जो मटेरियल हैं इनकी टेंडेंसी टू फाउल कम होती है हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स की। इसी तरह जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिनमें स्लाइटली स्मॉलर पोर्स होते हैं, इसमें हम वो पॉलीमर यूज करते हैं जिनके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। तो इट मीन्स कि अल्ट्रा एज कम्पेयर टू माइक्रो फिल्ट्रेशन जहाँ पे मटीरियल इज ऑफ नो इम्पॉर्टेंट, सिर्फ हम देखते हैं हाइड्रोफिलिक है तो ठीक है फाउलिंग कम होगी, हाइड्रोफोबिक है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के केस में वी टेंड टू थिंक अबाउट मटेरियल बिकॉज ये जो ग्लासी पॉलीमर्स हैं और हाई टीजी वाले पॉलीमर्स हैं, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इनकी केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इनकी मैंने एक और आपको बात तीसरी चीज़ बताई थी, इनकी डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी जो है वो भी एज कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा होती है।
ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं पॉलीमर्स के, आप सारे देख सकते हो कि ये सारे लो टीजी पॉलीमर्स हैं या हाई टीजी पॉलीमर्स हैं, सारे के सारे बहुत हाई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है इन सब की, एग्जैक्टली एरोमेटिक्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, इन सब की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन सब को हम नॉर्मली यहाँ पे हमारी लैब में पॉलीसल्फोन, पॉलीइथर सल्फोन, पॉलीइमाइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इन सब को हम इन रीजन की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। अच्छा, अब दिस एंड्स अवर लेक्चर। हमारा आज का जो असाइनमेंट है आपकी वो ये है कि आपने कोई पेपर ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप हो, ठीक है? आपने ऐसा कोई पेपर ढूंढना है जिसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप हो, उसको पढ़ना है, डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है और फिर उसको प्रेजेंट करना है इस पार्ट को। अब व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, कोई बताएगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यस। और बहुत अच्छा हो जाएगा कि कोई ऐसा पेपर हो जिसके अंदर उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया हो, मिसाल के तौर पे क्रॉस लिंकिंग की हो, ताकि थोड़ा आज का लेक्चर ज्यादा आ जाए ना, कि उन्होंने कोई ना कोई क्रॉस, आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, क्रॉस लिंकिंग, पॉलीमर मॉडिफिकेशन, कोई भी इस तरह के कीवर्ड सर्च करके अपने पेपर, और ये जाहिर है आप पेपर ऐसा सिलेक्ट करोगे जिसमें नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है? क्योंकि पोरस मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर इररिलेवेंट हो जाता है, तो आपने नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स की एप्लीकेशन, तो आप हो सकता है आप वो पेपर सिलेक्ट करो जो कि गैस सेपरेशन का हो, पर वेपरेशन का हो, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस का हो, रिवर्स ऑस्मोसिस का हो, नैनो फिल्ट्रेशन, ये सारे मोर और लेस नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स होती है, तो माइक्रो फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर जो हमने पढ़ा है आज सारी बातें, समहाउ उसको चेंज किया हो, क्रॉस लिंकिंग मैंने आपको एक बहुत आसान दे दिया, लेकिन सब ने ये ना हो कि क्रॉस लिंकिंग सारे सेलेक्ट कर लो, ठीक है? बी इनोवेटिव और कम अप विथ गुड आइडिया। That was all, हाँ? आपस में कर रहे हो, अच्छा। और असाइनमेंट में आपने ना साथ साथ काम करना है, क्योंकि किसी भी दिन हम स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है किसी दिन हमें लेक्चर बहुत छोटा हो और उस दिन हम असाइनमेंट कोई कर लें साथ ना, एक तो प्रेजेंटेशन। असाइनमेंट आपकी प्रेजेंटेशन है, रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। और टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने आपकी एक प्रेजेंटेशन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ग्रुप की प्रेजेंटेशन, ठीक है? ताकि हम बहुत लंबे उसमें ना चले जाएं, 10-12 मिनट्स के अंदर आपने उसको सम अप करना है। और रोज का हम थोड़ा देखेंगे, अब कल भी मेरी क्लास है 1 बजे तक, तो 1 बजे तक क्लास है, उसका मतलब है उसके बाद वो लंच प्रेयर ब्रेक, तो 2 बजे कल हम स्टार्ट करेंगे, कल 2 बजे करेंगे हम सिंथेसिस, इजीली कवर कर लेंगे एक्सेप्ट फेज इन्वर्जन। और थर्सडे को ब्रेक, थर्सडे को आप लोगों का असाइनमेंट्स के ऊपर आप लोग पूरा दिन काम कर सकते हो, हाँ। और फ्राइडे को मैं कल बताऊँगा, ठीक है? फ्राइडे को भी मेरी क्लास होती है, लेकिन वो 11:30 तक होती है, तो मेरा भी तो सोचो, मैं पहले 1.5-2 घंटे उधर पढ़ा के आऊंगा, फिर मैं इधर पढ़ाऊँ, थोड़ा ये तो गैप कर लेंगे, 12:45 से आगे हमारे पास 1.5-2 घंटे होंगे। चलो फ्राइडे को देखते हैं, ओके। आज का कैसा रहा, चीजें समझ आई? लेकिन मैं अगेन आपको वॉर्न कर रहा हूँ कि आपको सब भूल जाए।